खबर है छत्तीसगढ़ से। बता दें कि देश में महंगाई का आलम यह है कि टमाटर अब गरीबों की थाली में नहीं बल्कि मिठाई दुकान के शोरूम में नजर आने लगा है। देश भर में बारिश शुरू होते ही टमाटर के दाम में भारी उछाल आया है और लगातार इसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले गांव हो या शहर, एक गरीब परिवार को कोई साग सब्जी ना मिले तो टमाटर की चटनी में ही खाना खाकर गुजारा कर लेता था, पर अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि टमाटर 200 रुपए किलो में बिक रहा है। ऐसे में टमाटर की शान और उसके ठाट बढ़ गए हैं। उसने अपनी खास जगह बनाते हुए ऐसी छलांग लगाई कि अब सीधे मिठाई दुकान के शोकेस में महंगी मिठाइयों के बीच में नजर आने लगा है। बताते चले कि कोरबा जिले के HTPS पश्चिम कॉलोनी परिसर स्थित शॉपिंग सेंटर में संचालित दुकान में जब ग्राहक सामान लेने पहुंचे तो देखा कि मिठाइयों के बीच में टमाटर को शोकेस में रखा गया है। ये नजारा देख कुछ पल के लिए किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि टमाटर को शोकेस में क्यों रखेंगे। मन की भ्रांति दूर करने सच्चाई जानने संचालकों से पूछा गया कि भैया ये टमाटर है या कोई नई किस्म की मिठाई है। उन्होंने जवाब दिया कि ये टमाटर ही है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब इस टमाटर की जगह महंगे मिठाइयों के बीच शोकेस में हो गई है। लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि टमाटर मिठाई के शोकेस में अपनी जगह बना चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सोने चांदी के दुकान में भी इसे बेचते देखा जाएगा। देश और प्रदेश में अनाज से लेकर सब्जियों के दाम में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे आम जनमानस काफी परेशान है। हर परिवार को बढ़ती महंगाई से अतिरिक्त भार पड़ रहा है। कुछ खाद्य सामग्री और मसालों के रेट में वृद्धि आश्चर्यजनक ढंग से हुई है। टमाटर और अन्य सब्जी की कीमत में बढ़ोतरी होने से आम जनता परेशान है। महंगाई ने साधारण परिवार की कमर तोड़कर रख दी है। खाने पीने से लेकर अन्य वस्तुओं में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में एक साधारण परिवार के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है।